गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर लेसन नंबर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु लिव्स इन अ विलेज इन राजस्थान एंड विलेज नेम इज बज्जू। देयर इज अ वाटर स्कैसिटी इन बज्जू। ओके, नाउ मूव टू आवर लेसन। माधो लिव्स इन बज्जू, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। इट इज हार्डली अ विलेज। ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। वन कैन सी सम वन हाउस व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। अभी माधो कहाँ पे रहता था? वो राजस्थान में रहता है। और राजस्थान में जैसे कि आप सब जानते हो कि हर एक तरफ रेत ही रेत होती है, सैंड होती है। तो वहाँ पे क्या होता था कि जो राजस्थान में बज्जू में जो विलेज में जो हाउस थे वो आप कब देख सकते थे? जबकि सैंड ब्लो ना कर रहे, मतलब कि जब हवा ना चल रही हो और रेत यहाँ वहाँ उड़ ना रही हो, तभी आप किसी के घर को देख सकते थे। एवरीवन इन माधोज फैमिली इज अपसेट। माधो की फैमिली में सभी लोग अपसेट थे। क्यों? एवरी समर देर इज अ वाटर स्कैसिटी इन हिज प्लेस। दिस ईयर इट इज वर्स। इट डिड नॉट रेन एट ऑल। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फैच वाटर एज द नियर बाई पॉन्ड हैज ऑल्सो ड्राइड। अब क्या हुआ कि जो माधो के गाँव में और ऑल्सो इन माधोज फैमिली सभी लोग अपसेट थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत ही कमी थी और इस साल क्या हुआ था कि मानसून में भी बहुत ही कम रेन हुई थी। तो इन लोगों को क्या हो रहा था कि पानी की बहुत ही कमी हो रही थी और माधो की सिस्टर और उसकी मदर को पानी लेने के लिए बहुत ही दूर तक तालाब तक जाना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ अभी कि तालाब जो था वो भी अभी सूख गया था। ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 पॉट्स ऑफ वाटर वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड। देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। अब क्या होता था कि मतलब 4 ही पॉट पानी लाने के लिए उनको बहुत ही लंबे रास्ते तक चलना पड़ता था और क्या होता था कि गर्म गर्म सैंड होने की वजह से उनके पैरों में छाले भी पड़ जाते थे। हियर यू कैन सी द इमेज। देर आर सम लेडीज हु आर गोइंग टू फैच वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। ओके, नेक्स्ट। When the train carrying water comes, they are very happy. अब क्या होता था ये गांव में कि कभी कभी एक पानी की ट्रेन आती थी, टैंक में पानी लेके ट्रेन आती थी, तो लोग बहुत ही खुश होते थे। माधोज फादर गोज टू फेच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। और तब क्या होता था कि तब माधो की मदर और उनकी सिस्टर नहीं जाते थे, लेकिन उसके फादर कैमल कार्ट लेके पानी लेने के लिए जाते थे। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। लेकिन क्या होता था कि हर रोज नहीं होता, कभी कभी ये जो वाटर कैरिंग टैंक थी वो आती थी, तो लोगों को पानी के लिए बहुत ही इंतजार करना पड़ता था। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स, और हम जिसको टांका भी बोलते हैं। डू यू नो वाटर टांका इज एंड हाउ इट इज बिल्ट। अब क्या होता था कि कभी कभी लोग क्या करते थे कि पानी को कलेक्ट करने के लिए वो टैंक बनाते थे जिसे हम टांका भी बोलते हैं। और क्या आप जानते हो कि ये जो टैंक है वो हम कैसे बनाते हैं? टू बिल्ड अ टांका अ पिट इज डग इन द कोर्ट यार्ड एंड इट इज मेड पक्का। द टांका इज केप्ट कवर्ड विथ अ लीड। द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग सो दैट द रेन वाटर कलेक्टेड हियर फ्लोज थ्रू अ पाइप इन टू द टांका। A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka. This water is used for drinking after it is cleaned. अब क्या होता था कि टैंक्स बनाने के लिए, टांका बनाने के लिए क्या करना पड़ता था कि अपने कोर्ट यार्ड मतलब कि आंगन में बहुत ही खड्डा करना पड़ता था और फिर उसको सीमेंट से प्लास्टर करके उसको पक्का बनाते थे। और क्या करते, द रूफ ऑफ द हाउस इज मेड स्लोपिंग। अब क्या होता था कि जो हमारे उनके जो हाउस थे उसकी जो रूफ थी, छत थी, वो भी स्लोपिंग थी, जिसकी वजह से क्या हो सकता था कि जो रेन वाटर था वो वहाँ पे डायरेक्ट टैंक में जाता था। अ सीव इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोज इन टू द टांका। और क्या होता था कि सीव मतलब कि जैसे कि वो जाली होती है टांके में, वो वहाँ पे लगी होती थी, इससे क्या होता था कि जो डर्टी वाटर है वो उसके अंदर नहीं जाता था और ये जो पानी था उसको क्लीन करने के लिए, पीने के लिए भी काम में लेते थे लोग। समटाइम्स माधो इज अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टांकास ऑफ द विलेज। और क्या होता था, कभी कभी ये जो विलेज में टांका बनाए होते थे उसमें से माधो को पानी लेने के लिए भी उसको एलो था। थिंक व्हाट आर द डिफिकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ वाटर। अब आपको भी अपने आप सोचना है, आपको पेरेंट को भी पूछना है कि अगर पानी नहीं होता तो फिर क्या होता। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग। तो माधो के विलेज में लोग पीने के लिए पानी कहाँ से लाते थे? आंसर इज फ्रॉम पॉन्ड्स। Who fetches water in Madho's house?
माधो के हाउस में पानी कौन लाता था? माधोस फादर. वाटर कलेक्टेड इन द टांका इज मोस्टली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, व्हाई? टांका में जो वाटर कलेक्ट किया जाता था वो मोस्टली पीने के लिए यूज में आता था. क्यों? बिकॉज एज दिस इज वॉट दिस वाटर इज कवर्ड. क्यों? क्योंकि ये जो पानी था टैंक का जो पानी था वो कवर्ड था. इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल? इफ यस हाउ? क्या आपके घर में आप रेन वाटर को कलेक्ट करते हो? अगर करते हो तो कैसे? वो आपको लिखना. यहाँ पे मैं नहीं करती तो मैंने आंसर नो लिखा है. नेक्स्ट, जस्ट लाइक माधो, सोनल ऑल्सो फेसिस वाटर स्कैसिटी इन हर हाउस. सी लिव्स इन भावनगर. वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे. ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंडेड ओनली अ सिंगल टैप. कैन यू इमेजिन वॉट हैपन्स? अब क्या था कि जैसे माधो को अपने गाँव में बज्जू में वाटर की प्रॉब्लम थी, वैसे यहाँ पे एक और गर्ल है सोनल जो कि रह रही है भावनगर में, तो वहाँ पे उसको भी वाटर स्कैसिटी. कैसे? कि वहाँ पे उनके एरिया में ओनली हाफ एन आवर, मतलब कि आधे घंटे के लिए पानी आता था और सभी एरिया के सभी लोगों को एक ही टैप से वो पानी लेना पड़ता था. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि उसमें कितनी सारी डिफिकल्टीज होगी, कितनी मुश्किल होती होगी. सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप. व्हेनेवर शी गेट्स अ चांस शी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट अ ड्रॉप बाय ड्रॉप. लेट्स फाइंड आउट हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग. अब क्या होता था कि जो सोनल थी उसको पानी के लिए बहुत ही जूझना पड़ता था. वो डेटा में मतलब कि बहुत ही वो उत्सुक थी और क्या होता कि जब भी उसको चांस मिलता था वो अपनी बकेट भर लेती थी. कैसे? मानो कि एक एक ड्रॉप पड़ रहा है तो वहाँ से भी वो पानी को अपनी बकेट को फिल करती थी. डू एक्टिविटीज एज शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्सेस. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ दिया गया है कि कितनी ड्रॉप में बॉल है वो फिल होता है, कितनी ड्रॉप में बकेट फिल होता है, कितने ड्रॉप में मग फिल होता है, वो आपको एक्टिविटीज करनी है. यहाँ पे मैंने लिखा है कि हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून. स्पून कितनी ड्रॉप से फिल होगी? 3. हाउ मेनी स्पून्स विल फिल अ बॉल. तो बॉल है वो कितने ड्रॉप से फिल होगा? 50. हाउ मेनी बाउल्स विल फिल अ मग. मग जो है हमारा जो टबल है वो कितने ड्रॉप से फिल होगा? 10. एंड हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट. तो हाउ मेनी मग्स, कितने मग्स से बकेट फिल होती है? 20. ओके. नेक्स्ट, जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप हाउ मच वाटर वुड बी वेस्टेड. दिस पिक्चर शो यू समथिंग सिमिलर. अब आप अगर आपके घर में कोई भी टैप है वो लीकेज है, आपका जो नल है वो लीकेज है, तो आप इमेजिन कर सकते हो उससे कितना पानी वेस्ट होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, एक तरफ है कि जो टैप है वो लीकेज है और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, उसका जो टैप है वो ओपन है जबकि वो ब्रश कर रहा है. तो ये हमें नहीं करना है. कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर. क्या आप पानी को सेव करने के वेज जानते हो? तो वो आपको अपनी नोटबुक में वो आंसर लिखना है. राइट योर सजेशंस बिलो. यहाँ पे मैंने भी कुछ सजेशन लिखे, जैसे कि डोंट लीव टैप ओपन, आपको नल को ओपन नहीं रखना है. डू नॉट स्पॉइल वाटर, पानी को बिन जरूरी हमें उसको वेस्ट नहीं करना है. डोंट टेक बाथ इन ए रनिंग टैप. जब भी आप बाथ ले रहे हो, आप नहा रहे हो, तो आपको टैप को ओपन नहीं रखना है, नल चालू नहीं रखना है. चेक एनी लीकेज इमिडिएटली. और अगर आपकी टैप में कोई भी लीकेज है, पाइप में कोई लीकेज है, तो वो उसको फटाफट उसको चेक करना है, उसको करेक्ट करवाना है. हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरीली इन योर होम स्कूल और एनी अदर प्लेस वेयर. क्या आपने कभी भी बिन जरूरी पानी को वेस्ट होते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ पे वो लिखना है? मैंने लिखा है एट स्कूल. ओके. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस कैन वी यूज द वाटर दैट हैज बीन यूज्ड फॉर वन पर्पज फॉर समथिंग एल्स. क्या हम ऐसे पानी को जो एक काम के लिए यूज में आ गया है वाटर, वो वाटर को हम दूसरे काम में यूज कर सकते? तो वो आपको लिखना है आंसर. यस, वी कैन यूज द वाटर वंस यूज्ड. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वाटर आफ्टर बाथिंग कैन बी यूज टू बाथ इन एनिमल बाथ दी एनिमल्स. हम क्या कर सकते हैं कि हमने जो जो पानी से बाथ लिया है वो पानी को अगर हमने वो कलेक्ट किया है तो उसको हम उससे हम एनिमल्स को भी नहला सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कर रही है लेडी जो है वो ऊपर वो कॉट पे बैठ के खटिए पे बैठ के वो बाथ ले रही है, नीचे पानी कलेक्ट हो रहा है और वही पानी से वो एनिमल्स को भी नहला रही है. नेक्स्ट, ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर
सो दैट द सेम वाटर कैन बी यूज्ड. वन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऊपर लिखा है कि अगर हमने ये पानी ऐसे यूज किया है तो उसको रिकलेक्ट करते रीयूज कैसे हम कर सकते हैं. वॉशिंग हैंड्स एंड फेस. जो पानी से हमने हैंड्स और फेस वॉश किया है उसे हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग इन द टॉयलेट. वॉशिंग क्लोथ्स. जो पानी से हमने क्लोथ वॉश किए, जो लास्ट वाला पानी होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, मोपिंग द फ्लोर. हम पोछा भी लगा सकते हैं. एंड वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करने के बाद जो पानी बचा है उसको हम वाटरिंग प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को भी दे सकते हैं. यू हैव गिवन सम सजेशंस टू रियूज वाटर. पीपल यूज दिस मेथड्स ओनली अंडर कंडीशंस व्हेन देयर इज स्कैसिटी ऑफ वाटर. हमने यहाँ पे देखा कुछ रियूज द वाटर के रियूज हमें सजेशन दिए गए, लेकिन हम ये कब करते जबकि कहीं पर वाटर स्कैसिटी हो, पानी की बहुत ही कमी हो, तभी हम करते. Do you know one of the reasons for the scarcity of water is because people waste it. और क्या आप जानते हो कि water scarcity क्यों होती है, क्योंकि लोग पानी को वेस्ट करते हैं. Just think how good it would be if everyone got water. सोचो कि अगर सभी के पास पानी होगा तो वो कितना अच्छा होगा. Next, this is the explanation of workbook drop by drop. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. ए, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैंक फिल करनी है. जो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके ऑप्शन है वो बॉक्स में आपको दिए गए. फर्स्ट, माधो लिव्स इन बज्जू, अ स्मॉल विलेज इन तानसरिच, राजस्थान. माधो कहाँ पे रहता था कि राजस्थान में जो स्मॉल विलेज था जिसका नाम था बज्जू, तो विलेज इन राजस्थान. सेकेंड, एवरी वन इन माधोज फैमिली इज, माधो की फैमिली में सब कैसे थे. आंसर इज अपसेट, UPSET. थर्ड, एवरी समर देर इज वाटर डैश इन हिज प्लेस. एवरी समर माधो के गांव में क्या होता था, वाटर स्कैर्सिटी, मतलब कि पानी की कमी होती थी. फोर्थ, टू बिल्ड अ डैश अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड. किसको बनाने के लिए कोर्टयार्ड में खड्डा खोदना पड़ता था. द आंसर इज टांका. फिफ्थ, अ डैश इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोज इन टू टांका. और टांका में डर्ट ना जाए इसलिए क्या किया जाता था, अ सीव इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप. ओके, नेक्स्ट, बी, राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, बज्जू इज अ लार्ज विलेज. बज्जू था वो बहुत ही बड़ा विलेज था. फॉल्स, बिकॉज बज्जू इज अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान. सेकेंड, एवरी वन इन माधोज फैमिली इज हैप्पी. माधो की फैमिली में सभी लोग बहुत ही खुश थे. फॉल्स, वाई, एवरी वन इन माधोज फैमिली इज अपसेट बिकॉज ऑफ वाटर स्कैसिटी. थर्ड, एवरी समर देर इज वाटर स्कैसिटी इन माधोज विलेज. एवरी समर क्या होता था कि माधो की विलेज में पानी की बहुत ही कमी होती थी. एंड द आंसर इज ट्रू. फोर्थ, दिस ईयर बज्जू विलेज हैड लॉट्स ऑफ रेन्स. ये साल क्या हुआ था कि जो बज्जू गांव था वहाँ पे बहुत ही सारी रेन हुई थी. द आंसर इज फॉल्स. माधो सिस्टर एंड मदर फेच वाटर फ्रॉम द विलेज वेल. माधो की सिस्टर और मदर थी वो गांव के कुएं में से पानी लाते थे. फॉल्स. सिक्स, समटाइम्स अ ट्रेन कैरिंग वाटर अराइव्स इन माधोज विलेज. कभी कभी क्या होता था कि जो ट्रेन कैरिंग वाटर थी वो माधो के गाँव में आती थी. द आंसर इज राइट. ओके, नेक्स्ट, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाई इज बज्जू हार्डली अ विलेज. बज्जू जो गांव था वो क्यों बहुत ही कठिन था. बिकॉज इट इज हार्डली अ विलेज बिकॉज ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड एंड वन कैन सी सम हाउस व्हेन द सैंड नॉट ब्लो. अब क्या होता था कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही रेत थी और लोग किसी के हाउस को तभी देख सकते जबकि सैंड ब्लो ना हो रही हो. Why is everyone in Madhu's family upset? Madhu की फैमिली में सभी लोग अपसेट क्यों थे? Because everyone in Madhu's family is upset because every summer there is water scarcity in his place. क्या होता था कि हर समर में वहाँ पे पानी की बहुत ही कमी होती थी, अछत होती थी. Third, why is this year worse for Madhu and his family? ये साल Madhu और उसकी फैमिली के क्यों बहुत ही कठिन था? Because This year was for Madhu and his family because it did not rain at all. क्योंकि ये साल भी बहुत ही कम बारिश हुई थी और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी. Fourth, how do Madhu's sister and mother fetch water? Madhu की sister और mother थी वो पानी कैसे लाते थे? Madhu's sister and mother have to walk a longer distance
टू द नियर बाय पॉन्ड टू फेच वाटर। उनको क्या करना पड़ता है, बहुत ही लंबे रास्ते तक जाना पड़ता था पॉन्ड तक पानी लाने के लिए। फिफ्थ, व्हेन डज माधो'स फादर गो टू फेच वाटर एंड हाउ। माधो के जो फादर थे, उनके जो पापा थे, वो क्या पानी लाने के लिए कहाँ जाते थे और कैसे। When the train carrying water comes, they are very happy and Madhu's father goes to fetch water in his camel cart. वो क्या करते थे कि उनकी camel cart लेके पानी लेने के लिए जाते थे। What is rain water harvesting? मतलब rain water को collect करना मतलब क्या होता है। Rain water harvesting is the accumulation and storage of rain water for reuse. Rain water को storage करते थे reuse, मतलब कि use करने के लिए उसको। What is a tanka? How is it built? Tanka क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है। Tanka is water storing container. To build a tanka, a pit is dug in the courtyard and it is made pakka. The tanka is kept covered with lid. Tanka क्या होता था कि courtyard में अपने आंगन में खड्डा किया जाता था, उसको पक्का बनाया जाता था और उसके अंदर पानी कलेक्ट होता था और उसको लीड से मतलब ढक्कन से ढका भी जाता था। 8. Write the names of activities for which you need water. आपको यहाँ पे क्या करना है कि जिसके लिए, जो एक्टिविटी के लिए आपको पानी चाहिए, वो आपको एक्टिविटीज यहाँ पे लिखनी है। We need water to drink, brushing, bathing, cooking, cleaning, watering plants and washing utensils. ये सारी एक्टिविटीज के लिए हमें पानी की बहुत ही जरूरत होती है। 9. Write the various ways by which you can conserve water in your house. आपको ways लिखने हैं कि जिसकी वजह से आप अपने घर में पानी को conserve कर सकते हो। First, turn off the tap while brushing your teeth. जब भी आप teeth brush कर रहे हो, आपको tap को बंद करना है। Use bucket and mug for bathing. आपको direct shower से bath नहीं लेना है, लेकिन इसके बदले क्या करना है कि bucket और mug का use करना है। 10. Mention the various ways by which you can save water in your school. आप अपने स्कूल में कैसे वाटर को सेव कर सकते हो वो लिखना है। First, if not using the tap, turn it off. अगर आपको टैप की मतलब पानी की जरूरत नहीं है तो उसको बंद कर दो। Report if taps are leaks. और अगर आपके टैप से वो लीकेज वाले हैं तो आपको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है। 11. Water scarcity is a problem in Bazu but not in our city or village. Do we still need to conserve water? Discuss. अब क्या था कि जो पानी की अच्छती, पानी की जो कमी थी वो बज्जू में थी, हमारे यहाँ पे नहीं, लेकिन क्या हम अपने लिए भी पानी को कंजर्व कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं उसको। Yes, we cannot live without water. There is water scarcity all over the world. Everybody needs water. अब क्या है कि जैसे हमें तो ऐसे लगता है कि भाई चलो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, स्कैसिटी नहीं है, लेकिन बहुत ही ऐसे एरिया कि जहाँ पे पानी नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना है कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी। Look at the following pictures. Tick right the correct ways of saving water and cross the pictures where water is being wasted. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है वहाँ पे क्रॉस करना है और जहाँ पे पानी सेव हो रहा है वहाँ पे आपको राइट टिक करना है। This boy is brushing and his tap is open. This is false. Second, जो बच्चा है वो शावर ले रहा है लेकिन डायरेक्ट शावर ले रहा है, वो बकेट और मक्का यूज नहीं कर रहा है, तो वो भी फॉल्स है। ये जो मैन है वो क्या कर रहा है, वो पाइप से अपनी कार को वॉश कर रहा है, तो वो भी वेस्टेज ऑफ वाटर है। नेक्स्ट, वाटरिंग द प्लांट्स। ये जो मैन है वो क्या कर रहा है, प्लांट्स को वाटर दे रहा है, तो वो अच्छी बात है, तो वहाँ पे राइट करना है। और ये जो टैप है वो लीकेज है, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। अगर टैप लीकेज है तो उसको फटाफट से उसको सही करवाना चाहिए, तो वो भी रॉन्ग है। वन ऑफ द वेज टू सेव वाटर इज रिसाइकल एंड रीयूज। Suggest various ways for recycling and reusing water. अब क्या करना है आपको, को recycling या तो फिर reusing कैसे कर सकते हैं water को, वो आपको लिखना है। We can use fruits and vegetables washed water for watering plants. हम क्या कर सकते हो को क्या कर सकते हैं कि fruits और vegetables को wash करने के बाद वो पानी को हम plants को भी दे सकते हैं। Now, assignment for Olympiads. First, which of the following activities does not save water? अब आपको यहाँ पे तीन activities दी गई है, उसमें से कौन सी activities है जो पानी save नहीं कर सकती। Taking bath with mug and bucket,
दिस कैन सेव वाटर. सेकेंड, वॉशिंग कार विथ वाटर पाइप. वाटर पाइप से कार को वॉश करने से क्या होगा कि बहुत ही सारा पानी वेस्ट होगा, तो यहाँ पे हमें टिक करना है कि ये भाई इससे वाटर सेव नहीं हो रहा. और सी, टर्निंग ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग द टीथ. जब भी हम टीथ ब्रश करें तो हमें टैप को बंद करना है, तो ये इससे क्या हो सकता है कि वाटर सेव होता है. द आंसर इज बी. सेकेंड, विच इज द ड्राइस्ट स्टेट इन इंडिया. सबसे बड़ा सूखा स्टेट कौन सा है? आंसर इज राजस्थान. हाउ कैन वी रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर. हम अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज मतलब कि उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा पानी को हम कलेक्ट कर सकते हैं. आंसर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब रेन वाटर को कलेक्ट करके हम अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते. फोर्थ, इफ यू सी अ टैप रनिंग विदाउट एनी रीजन यू वुड. अगर आपको टैप ओपन दिखता है कोई भी रीजन के बिना, तो आप क्या करोगे? टर्न ऑफ द टैप. मैं क्या करूँगा कि जो टैप है उसको बंद कर दूंगा. फिफ्थ, विच इज द बेस्ट वे टू रिडल द फीड्स टू कंज्यूम वाटर. कि खेतों में पानी को पानी डालने के लिए सबसे सही तरीका कौन सा है? सी, स्प्रिंकल्स मेथड ऑफ इरिगेशन, जिसको हम बोलते हैं टपक सिंचाई पद्धति. तो ये जो मेथड है वो बहुत ही करेक्ट होती है. द आंसर इज सी. ओके, आवर लेसन इज कंप्लीटेड हियर. थैंक यू.